Hello students, now we have to start the chapter that is Nazism and the Rise of Hitler. ठीक है, इसमें हमने देखा किस तरीके से हिटलर ने नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू किया, बच्चों को चाइल्डहुड से ही नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया. बट द नाजी आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फॉर द बॉयज एंड डिफरेंट फॉर द गर्ल्स, है ना. बॉयज को जहां मस्कुलाइन होना, स्ट्रांग होना कंपलसरी था, गर्ल्स को होना था बीइंग अ गुड मदर एंड रेयर द गुड जर्मन आर्यन चिल्ड्रन. ठीक है, तो लोगों के मन में जो ये हेट जूस के लिए था वो क्यों था. ये हेट लोगों के मन में इसलिए था कि जो हिटलर है उसने इस तरह का प्रोपोगंडा किया हुआ था. प्रोपोगंडा मतलब प्रचार प्रसार, है ना, लोगों को ये चीजें बताई हुई थी. इस तरीके से प्रोपोगंडा किया हुआ था कि लोग ज्यूस से हेट करने लग गए थे. बाकायदा उसका प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, है ना, हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना अपने प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबेल के साथ ही कमिटेड सुसाइड. तो बाकायदा प्रोपोगंडा मिनिस्टर रखा हुआ था हिटलर ने. और हिटलर का जो मीडिया था वो भी हिटलर नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. ठीक है, प्लस ये लोग जो मास किलिंग कर रहे हैं या लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं, इन सब के लिए उन्होंने कुछ अलग तरह के जो वर्ड हैं वो यूज़ कर रहे थे, जिससे दुनिया को पता ना चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है नाजी जर्मनी के अंदर. ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा. ठीक है, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने अपनी नाजी आइडियोलॉजी या जूस के लिए उसकी जो हेटर्ड थी उसको किस तरीके से लोगों के दिमाग के अंदर बिठा दिया, है ना. फिल्म्स हैं, इमेजेस हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्पलेट्स के थ्रू जूस की एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी गई जो कि लोगों को लगता था कि वो बहुत ही बेकार हैं. एक तो उनकी फिजिकली जो आउटलुक था उसको बहुत गंदा दिखा दिया गया कि जो ज्यूज़ हैं वो बहुत ही गोल मटोल, बहुत ऊंची सी मोटी सी नाक, छोटी छोटी आँखें, है ना, जो हेयर हैं वो नहीं है हेड पे, गंजे हैं. ठीक है, बड़े ही ढीला ढीला कफ्तान जैसी ड्रेस पहनी हुई है, पतली बिल्कुल ढीली ढीली पैंट है. तो वो जो उनकी इमेज थी वो इमेज इस तरह की कर दी गई. फिर उनको लालची कि वो सोने चांदी इन चीज़ों के बहुत लालची हैं, पैसे के, इस तरह की इमेज कर दी गई. फिर उनके ऊपर कई सारी छोटी छोटी मूवीज बनाई गई जिससे ज्यूस के लिए लोगों के मन में हेट होती चली जाए. और जब इन ज्यूस को ले जाया जाता था गैस चैम्बर्स में या कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, मास किलिंग की जाती थी, इसके लिए दे यूज द डिफरेंट वर्ड्स जिससे कि लोगों को पता ना चले, है ना, आउटसाइड द वर्ल्ड किसी को ये पता ना चले कि नाजी जर्मनी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. क्योंकि बाहर लोगों को ये नहीं पता था कि हिटलर इतने लार्ज स्केल पर मास किलिंग कर रहे हैं, है ना. कंट्री में उन्होंने रेशियल सेग्रीगेशन किया हुआ है, एक रेस को सबसे बेस्ट बताकर बाकी रेसेस को धीरे धीरे उन्होंने एलिमिनेट करना शुरू किया है. एज सच बाहर के लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी. तो आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा में हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा तरीके उन्होंने यूज़ किए जिससे कि लोगों को ज्यूज़ के अगेंस्ट हेटर्ड पैदा की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेट, है ना. कहीं कहीं तो ये इमेजेस ऐसी भी बना दी गई कि ज्यूस को लगने लगा कि वाकई में शायद हम ऐसे ही दिखते हैं, हम वाकई में बहुत ही गंदे दिखते हैं
और वाकई में हम ऐसे खराब हैं। एक ही बात को बार 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 आप बोलते रहो तो धीरे धीरे वो बात लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, और ये ही नाजी के आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा का तरीका था। बार बार एक ही चीज़ को बताते चले जा रहे थे और लोगों के मन में ज्यूस के अगेंस्ट नफरत भरती चली जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो मास किलिंग करते थे, है ना, बहुत सारे लोगों को ले जा करके मार दिया जाता था, उसको ये कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। अब आप बताइए, अगर आपके सामने कोई बोलेगा कि भाई इस ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, क्या सोचोगे? कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, दवाई वाई करानी होगी या कुछ चेकअप वगैरह होगा, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो लगेगा ही नहीं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब मास किलिंग, इस पूरे ग्रुप को ले जा करके मार दो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, टेक देम फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया जाए और लोगों को लगेगा कुछ होगा स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना। मास किलिंग कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ज्यूज हैं उनके लिए वर्ड भी यूज किया था, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन। है ना, उन्हें मारने के लिए ये वर्ड था, ज्यूज के लिए स्पेशली। ज्यूज तो बहुत ही ज्यादा खराब रेस थी अकॉर्डिंग टू द हिटलर, तो उनके लिए फाइनल सॉल्यूशन, है ना, उसका फाइनल सॉल्यूशन कर दो, फाइनल सॉल्यूशन कर दो। या क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन से, किसी को पता नहीं चलेगा कि फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो डिसेबल पीपल थे, डिसेबल पीपल के लिए तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था, यूथनेशिया प्रोग्राम, है ना, यूथनेशिया वर्ड उसके लिए यूज कर रहे थे, दैट इज फॉर द डिसेबल पीपल। ऐसे ही वर्ड वो यूज कर रहे थे, डिसइंफेक्टेड एरिया या डिसइंफेक्शन, है ना, जैसे कि गैस चैम्बर्स हैं, गैस चैम्बर को नाम दे दिया डिसइंफेक्शन एरिया, यानी कि यहाँ पर इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया जाता है। और उनको बनाया भी कुछ ऐसे ही गया था, छोटे छोटे बाथरूम्स जो थे बाथरूम की शेप में बनाया गया था, और वहाँ पर फेक शावर भी लगाए थे, ऐसा वो शावर वर्किंग नहीं थे, बट टू शो द वर्ल्ड कि कई बार कहीं कहीं से बाहर कोई व्यक्ति आ जाए और उनके हाथ ये चीज़ें लगें तो लगेगा ये तो बाथरूम्स हैं, इसमें क्या शावर लग रहे हैं, बाथरूम्स हैं, बट दैट इज़ बेसिकली गैस चैम्बर्स, उनके अंदर लोगों को ठूस ठूस करके गैस इनहेल करवा के उन्हें मार दिया जाता था, है ना। तो इस तरीके से उसने अपने वर्ड्स को कहीं पर भी इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए जिससे लोगों को पता चले कि बेसिकली नाजी जर्मनी में हो क्या रहा है। मीडिया भी इन चीज़ों को बहुत ही सावधानी से यूज़ करती थी, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो गलती से कुछ ऐसा निकल जाए या इस तरह का वर्ड बाहर आ जाए कि भाई पता चले कि ये नाजी जर्मनी की असलियत लोगों को पता चल जाए। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दुनिया को पता चला कि जर्मनी में क्या हो रहा है। एक्चुअली जब इन लोगों को लेकर जाया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, मारा नहीं जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कुछ टाइम के ले जा करके वहाँ पर रख दिया जाता था, है ना। तो इनको जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया जाता था तो इनसे सारी इनकी प्रॉपर्टी सब चीज़ें छीन ली जाती थी, लेकिन छुपा छुपा कर इनमें से कुछ इंटेलेक्चुअल लोग अपने साथ डायरी और पेन ले गए, है ना। आप सोचोगे डायरी और पेन क्यों, जिससे कि वो अपनी परेशानियाँ उसके अंदर लिख सकें कि वो क्या झेल रहे हैं, और दुनिया को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती तो शायद अभी हमें नहीं पता होता कि नाजी जर्मनी में ये सब काम हो रहे थे, है ना, लोगों को मारा जा रहा था डिसइंफेक्शन के नाम पर, उन्हें गैस चैम्बर में बंद करके गैस इनहेल करवाई जा रही थी। तो वो अपने साथ ये
पेन और डायरी ले जाते थे एंड दे रोट व्हाट दे गोइंग थ्रू इन द नाजी जर्मनी, है ना, वो चीज़ें उसके अंदर लिखते चले जाते थे. एंड दे कीप दीज थिंग्स इन द सेफ प्लेस. उन्हें तो पता है कि वो तो मरेंगे ही, लेकिन जब भी कभी ये डायरीज और ये चीज़ें लोगों के हाथ में आएंगी तो एटलीस्ट दुनिया को पता चलेगा कि नाजी जर्मनी में किस तरीके से उन लोगों को टॉर्चर किया गया था. जो ज्यूज थे वो एक नहीं कई मौतें मर रहे थे. जब किसी व्यक्ति को आप इतना हेट करो और उसको बार 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 ये रियलाइज़ कराओ कि वो तो बहुत ही बेकार है, इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, तो सोचो उसकी कंडीशन क्या होगी, है ना. तो वो एक डेथ नहीं, वो जो गैस चैम्बर में ले जा करके मारा जा रहा था वो तो बहुत इजी डेथ हो गई उनके लिए. वो जो फील कर करके बार बार मर रहे थे, दैट वॉज वेरी पेनफुल डेथ. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे तरीके यूज किए लोगों को ये बताने के लिए कि जूज वॉज द वर्स्ट कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड, और उन्हें अगर वो मार रहा है तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है. इस तरह से उसने अपना प्रोपोगंडा करना शुरू किया. ठीक है, अगर वो सही काम कर रहा होता तो उसको शायद इस तरह के वर्ड्स यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना. सही चीज़ों को छुपाना नहीं पड़ता, छुपाना हमेशा गलत चीज़ों को पड़ता है. तो ये जब छुपाई जा रही हैं चीज़ें, दैट मीन्स दीज थिंग्स वर रॉन्ग थिंग्स. ठीक है, और इसमें वहाँ की मीडिया चाहे अपनी इच्छा से मान लीजिए या हिटलर के डर से, वो उसको सपोर्ट कर रही थी. ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम. देखिए, द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, हेडिंग डाल लीजिए, नाजी नेवर यूज द वर्ड किलिंग और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखिए, मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना, मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट कॉमा फाइनल सॉल्यूशन. ये भी मास किलिंग के लिए फाइनल सॉल्यूशन, बट द वर्ड बेसिकली फॉर द ज्यूज, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, फाइनल सॉल्यूशन ब्रैकेट में कर लीजिए, फॉर द ज्यूज कॉमा यूथनेशिया ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर द डिसेबल कॉमा सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट लिखिए, गैस चैम्बर्स वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक्ड लाइक बाथरूम equipped with fake showers. ठीक है, डिसइंफेक्शन एरिया करके किस तरीके के बनाए गए गैस चैम्बर, बाथरूम की शेप में, बहुत सारे बाथरूम हैं और वहां पर फेक शावर भी लगाए गए. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस फिल्म्स रेडियो पोस्टर्स कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स. ठीक है, यानी उनके ऊपर इस तरह की फिल्म्स भी बनाई जा रही थी कि उनकी इमेज जो है वो बहुत ही खराब दिखे. रेडियो में भी बार बार कैची स्लोगन्स बोले जा रहे थे. कैची स्लोगन्स क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं मुंह के ऊपर, है ना, हम उनको गाने गुनगुनाने लगते हैं. तो इस तरह के कैची स्लोगन बनाए जा रहे थे उनके अगेंस्ट. इसके अलावा कई सारे पोस्टर, बुक में भी एक पोस्टर दिया हुआ है, आप देखिएगा, एक बहुत अच्छा हेल्दी सा गोल मटोल सा व्यक्ति एक बहुत बड़े बैग पर बैठा हुआ है, दे रखा है आपकी बुक में पोस्टर ना, वो बैग के ऊपर लिखा है गोल्ड, यानी, और वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है ढीले ढीले कपड़े पहनकर गोल मटोल, दैट पर्सन इज ज्यूस. वो ज्यूस का पोस्टर है और उसको दिखाया गया है गोल्ड के बैग पर बैठे हुए, मतलब
they were the लालची पर्सन, है ना, पैसों के लिए, पैसों के उस बैग पर बैठा हुआ है। तो इस तरह के पोस्टर्स, ये तो एक पोस्टर दिया, इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स थे जो जगह जगह लगाए जा रहे थे ये शो करने के लिए कि दीज ज्यूज वर लुक्स वेरी बैड, है ना, उनकी लुकिंग तो बहुत खराब है ही, प्लस वो बहुत ही खराब इंसान भी हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोगंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटर्ड फॉर जूस। द मोस्ट इनफेमस फिल्म, इनफेमस, द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यूस। बहुत ज्यादा ये फिल्म उस समय चली थी, इटर्नल ज्यूज, है ना, दिस वॉज द मोस्ट इनफेमस फिल्म जिसमें ज्यूज को बताया गया था कि वो कितने खराब हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाजीज्म वर्क्ड ऑन द माइंड ऑफ पीपल, टैप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न्ड देयर हैटर्ड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे साउट टू विन द सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नाजीज, ज्यूज जो थे वो लालची हैं, खराब हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट हैं वो भी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, वो फॉरेन कंट्रीज के साथ मिले हुए हैं और देश को डेवलप नहीं होने देंगे, अकॉर्डिंग टू नाजीज, है ना, कि वो लोग भी देश को डेवलप नहीं होने देंगे। और बाकी की कम्युनिटीज वो तो सबसे वर्स्ट कम्युनिटी हैं, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं तो देश का क्या करेंगी। तो इस तरीके से जो सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाली अगर कंट्री के अंदर कोई है, दैट इज द नाजी पार्टी, है ना, जो हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की प्रॉब्लम से लोगों को बाहर निकाल लेगी। इससे रिलेटेड एक पोस्टर भी बना हुआ है, देखिए आपका पेज नंबर 70 पे, जर्मन फार्मर्स, है ना, उस वहां पर जर्मन फार्मर्स के लिए एक बाकायदा उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जर्मन फार्मर्स जो हैं उनको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या दूसरी पार्टी हो, वो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। केवल और केवल नाजी पार्टी है जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगी, इसके अलावा और कोई भी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। इस तरह के पोस्टर्स, ये दिस इज अबाउट द फार्मर, और भी दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी इस तरह के पोस्टर्स बनवाए जा रहे थे, है ना, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि द नाजीज आर द बेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, सॉरी इन द जर्मनी, है ना, और नाजी आइडियोलॉजी जो है दैट इज करेक्ट। तो सभी लोग, ये इलेक्शन से पहले का पोस्टर है, जो फार्मर का पोस्टर है, दिस इज बिफोर द इलेक्शन 1932 का, है ना, 1932 में इलेक्शन हुए थे, 1932 के एंड में, और 33 में तो पावर में ही आ गए थे हिटलर। तो इस पोस्टर के थ्रू वो लोगों को क्या बता रहे हैं कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और दूसरी जितनी भी पार्टी हैं, दे वर नॉट गुड फॉर द जर्मनी, जर्मनी के लिए जो सबसे अच्छा है दैट इज द नाजीज, जो कि जर्मनी को ना केवल डेवलप करेंगे बल्कि फार्मर्स के लिए भी सबसे सही डिसीजंस लेंगे।
ठीक है। तो ये हुई बात नाजी जर्मनी की। नाजी जर्मनी में लोगों को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया गया या उनके माइंड के अंदर हेटर्ड इस तरीके से ठूस ठूस के भर दी गई कि अब उन लोगों को ये लगने लगा कि यस ज्यूज जो है दैट वॉज द वर्स्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, इनको दुनिया से हटा देना ही बेस्ट होगा। ठीक है, एक बार ये पोस्टर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 70 पर पोस्टर दे रखा है और ये 1932 नीचे लिखा है, फ्रॉम अ नाजी लीफलेट 1932, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, वाई, क्यों, द जर्मन फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, दो ग्रेट डेंजर खड़े हुए हैं जर्मन फार्मर के लिए, पहला वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम बिग कैपिटलिज्म, है ना, अमेरिकन सिस्टम कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म मतलब अमीर लोगों की गवर्नमेंट है वहां पे, है ना। तो जर्मनी में ना आपको याद है ना हमने पढ़ा था ड्वेस प्लान, है ना, जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था और जर्मनी की थोड़ी कंडीशन बेटर होने लगी थी, वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कोलैप्स होने की वजह से क्या हुआ था, अमेरिका को वापस जाना पड़ा। फिर मार्क्सिस्ट इकोनॉमी सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पर यहाँ पर भी कई सारी कम वो बननी शुरू हुई थी पार्टीज जर्मनी में, है ना। तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट, दे आर बॉर्न ऑफ द ज्यूज थॉट एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ द वर्ल्ड ज्यूरी, ठीक है, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, मास्टर प्लान है इनके पास। हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स, कौन रेस्क्यू करेगा फार्मर्स को इस डेंजर से, दैट इज द नेशनल सोशलिज्म यानी नाजी पार्टी, ठीक है। इस तरह के लीफलेट नाजी पार्टी ने हर जगह पर लगवा दिए थे, है ना, दिस इज अबाउट ओनली अबाउट द फार्मर्स, ऐसे ही वर्कर्स के लिए भी और दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी, ठीक है, जिससे कि उन्हें सपोर्ट मिले और दूसरे जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं या कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं या सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं, लोगों के मन में उनके लिए हेट बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट द नाजी प्रोपोगंडा। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल थे कंट्री के अंदर, उनके बारे में क्या, व्हाट दे थॉट अबाउट द नाजी पार्टी, क्या सभी नाजी पार्टी से हेट करते थे, नहीं, यहां पर नाजी पार्टी से सभी हेट नहीं करते थे, इसको एक बार मैं रब कर देती हूं, आप लोग साथ के साथ पॉइंट्स लिखते चले जाना बच्चों। अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। Ordinary people and crime against humanity, ठीक है, इससे related बहुत अच्छी एक poem भी book में दी हुई है, पोस्टर एलमन की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं नाजी पार्टी को, काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते थे, जो उनका आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा था, उसकी वजह से काफ़ी लोग, ऑर्डिनरी पीपल की बात कर रहे हैं हम, वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे, बट नॉट एवरीवन, हर कोई सपोर्ट नहीं करता था, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि नाजी पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बट दे हैव द फियर कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो, हमने देखा था ना क्या किया हुआ था हिटलर ने, जैसे ही डिक्टेटरशिप लागू की थी, कई सारी अलग अलग सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्सेस उसने सब जगह अपॉइंट कर दी थी,
है ना, तो अगर वो उनके अगेंस्ट जाएंगे, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, है ना, प्रोटेस्ट किया, लेकिन हिटलर ने उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, है ना, जो सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे जिनको वो पसंद नहीं करता था उन पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, फिर ज्यूज थे, जिप्सीज थे, पॉलिश पीपल थे, इन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, है ना, जो भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था या उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था। ऐसा नहीं था कि ऑल आर्यन पीपल सपोर्ट द हिटलर, है ना, आर्यन पीपल में भी सो मैनी पीपल वर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो कि दिस नाजी आइडियोलॉजी इज टोटली रॉन्ग, कोई भी रेस बेस्ट या कोई भी रेस वर्स्ट नहीं होती है, सारी रेसेस जो हैं वो कैसी हैं, दे आर इक्वल, उनको हमने हमारे हिसाब से डिवाइड कर दिया है, है ना, भगवान ने तो कोई भी रेसेस बनाई ही नहीं है कि भाई ये जिप्सीज हैं या ये पॉलिश हैं या ये रशियन हैं, वो तो हमने क्योंकि हमारी बाउंड्रीज बना ली और अकॉर्डिंगली हम उन रेसेस को हम फॉलो कर रहे हैं और हम ही बना रहे हैं। तो दीज इंटेलेक्चुअल पीपल दे नो कि नाजी आइडियोलॉजी इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट, मीन्स टोटली रॉन्ग, है ना, बट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट हिटलर। जिन्होंने की वॉइस रेज उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, मीन्स यहाँ पे पूरे लोग यूनाइटेड होके हिटलर के अगेंस्ट नहीं आ पाए, है ना, हर व्यक्ति अपने अपने आप को बचाने में लगा हुआ था। मोस्टली जर्मन पीपल दे डोंट लाइक द हिटलर आइडियोलॉजी मोस्टली, है ना, उन्हें पता था हिटलर आइडियोलॉजी जो है वो सही नहीं है, चाहे आप कितनी गलत चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ लोगों पर असर होगा, हर एक व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो यहाँ पर सभी व्यक्ति उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी ऑर्डिनरी पीपल के लिए या वो जो क्राइम कर रहा था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो चीज़ें लोग अपनी डायरी में लिख रहे थे, पोएम्स के थ्रू दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे एक पोएम दे रखी है बुक में, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे इसके। फर्स्ट दे केम फ्रॉम द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, ठीक है, पहले कम्युनिस्ट को पकड़ कर ले गए पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था, ठीक है, सो आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, ले जाने दो, कम्युनिस्ट को ले जा रहे हैं, ठीक है। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था, ले जाने दो, सोशल डेमोक्रेट्स को ले जा रहे हैं, तो सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फ्रॉम द ट्रेड यूनियनिस्ट, तो मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन दे केम फ्रॉम द ज्यूज, आई वॉज नॉट अ ज्यूज, तो आई डिड लिटिल, मैंने थोड़ा करने की कोशिश की बट मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, ले जाने दो, मेरे को तो नहीं ले जा रहे ना। देन दे केम फॉर मी एंड देयर वॉज नो वन लेफ्ट, ठीक है, जब वो मेरे को लेने आए तो नो वन लेफ्ट कुड स्टैंड अप फॉर मी, ठीक है, कोई बचा ही नहीं जो मेरे लिए स्टेप लेता, क्योंकि जब मेरी बारी थी तब मैंने किसी के लिए भी स्टेप नहीं लिया, आई डिड नथिंग फॉर द कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, सोशलिस्ट, ज्यूज, और जब मेरी बारी आई कोई बचा ही नहीं ना, सबको तो ले गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं बचा। तो यही हालत जर्मनी में हुई, इंटेलेक्चुअल लोग भी थे बट दे वर नॉट यूनाइटेड अगेंस्ट द हिटलर, ठीक है, और बाद में हमें हिटलर के कारनामे भी बाद में पता चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चला अबाउट द हिटलर, बट दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।